हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। तो आज हम कर रहे हैं 20 MCQ चैलेंज के अंदर क्लास 12th बायोलॉजी का इकोसिस्टम चैप्टर। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एन इकोसिस्टम इज ए, ऑप्शन फर्स्ट दिया गया ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स दैट इंटरेक्ट विद वन अनदर, ऑप्शन बी दिया गया ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीसीज इन वन प्लेस एट वन टाइम, ऑप्शन सी दिया गया बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट विद विच द कम्युनिटी इंटरेक्ट, एंड ऑप्शन डी दिया गया ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग केमिकल्स एंड देयर साइकल्स। प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी गई है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, वो आएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे बिल्कुल राइट, जो हमें बिल्कुल अच्छे से जो एक्सप्लेन करता है इकोसिस्टम के बारे में, वो ये कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट विद विच द कम्युनिटी इंटरेक्ट्स, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन ए दिया गया इज इक्वल टू द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ एन इकोसिस्टम, ऑप्शन बी दिया गया इज ग्रेटेस्ट इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ऑप्शन सी दिया गया इज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, एंड ऑप्शन डी दिया गया इज इन्वर्टेड इन सम इकोसिस्टम। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम किसे कहते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपसे हो जाना चाहिए। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, यानी फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेट एट विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज द इकोसिस्टम्स, ऑप्शन ए है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी है ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ग्रोस पढ़ते हैं बस, ग्रोस प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी और प्राइमरी को ध्यान नहीं देते हैं, तो जल्दी से बी पर लगा देंगे। बट यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी, द रेट एट विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आएगा। ये तो सबसे हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान सा है प्योर एनसीईआरटी। हाउ मच पोर्शन ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स, ऑप्शन ए दिए गए 5-10%, बी दिए गए 7-10%, डी दिए गए 8-10%, डी दिए गए है 2-10%। प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो आपकी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है जो प्लांट्स के द्वारा कैप्चर की जाती है, वो कितनी होती है, 2-10%, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंट्री एंड एटमोस्फेरिक साइकिल इज दैट इन डैश साइकिल द न्यूट्रिएंट डज नॉट डैश, तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया सेडिमेंट्री और एटमॉस्फेरिक साइकिल के बीच में डिफरेंस, ऑप्शन ए दिया गया सेडिमेंट्री लीव द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी दिया गया सेडिमेंट्री लीव द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी दिया गया एटमॉस्फेरिक लीव द एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी दिया गया सेडिमेंट्री एंटर द एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये भी प्योर एनसीईआरटी है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ऑप्शन डी, सेडिमेंट्री एंटर द एटमॉस्फेयर। कैसे, देखिए, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द सेडिमेंट्री एंड एटमॉस्फेरिक साइकिल इज दैट इन सेडिमेंट्री साइकिल द न्यूट्रिएंट्स डज नॉट एंटर द एटमॉस्फेयर, यही तो डिफरेंस है कि जो सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर नहीं करते, इसीलिए तो एटमॉस्फेरिक और सेडिमेंट्री के अंदर ये डिफरेंस आता है, एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ दिया गया है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीकम्पोजिशन, ओके, डीकम्पोजिशन के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट है डीकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ द डिटीरियस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन एंड क्विकर इफ डिटीरियस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक सुगर, ऑप्शन बी दिया गया है डीकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिटीरियस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक सुगर एंड क्विकर इफ द डिटीरियस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, ऑप्शन सी दिया गया डीकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिटीरियस इज रिच इन सेलुलोज एंड क्विकर इफ डिटीरियस इज रिच इन फॉस्फोरस, ऑप्शन डी दिया गया डीकम्पोजिशन रेट इज क्विकर इफ डिटीरियस इज रिच इन लिग्निन एंड लोअर इफ डिटीरियस इज रिच इन सल्फर। प्योर एनसीईआरटी डीकम्पोजिशन के अंदर आता है ये, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी डीकम्पोजिशन जो स्लो होता है अगर वहाँ पर लिग्निन और काइटिन ज़्यादा हो, बट वहीं पे डीकम्पोजिशन बहुत ही क्विक हो जाता है अगर वहाँ पे सुगर लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट हो, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड चेन आर करेक्ट, यहाँ पे हमें टू करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है रिमूवल ऑफ 80% टाइगर्स रिजल्टेड इन इंक्रीज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन,
सेकेंड है रिमूवल ऑफ मोस्ट कार्निवर्स रिजल्ट इन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ डियर. ऑप्शन थर्ड है लेंथ ऑफ फूड चेन इज लिमिटेड टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू एनर्जी लॉस. एंड फोर्थ है एंड लेंथ ऑफ फूड चेन मे वेरी फ्रॉम 2 to 3 ट्रॉफिक लेवल. ओके, तो यहाँ पे जो है हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो देखिए रिमूवल ऑफ 80% अगर टाइगर को हम रिमूव कर देंगे तो वहाँ पे डियर जो है उनके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे. अगर डियर के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे यानी जो हर्बीवर्स के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो वहाँ पे वेजिटेशन की ग्रोथ इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. रिमूवल ऑफ मोस्ट कार्निवर्स रिजल्ट इन इंक्रीज, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. लेंथ ऑफ फूड चेन इज लिमिटेड टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू एनर्जी लॉस, ये भी करेक्ट है. लेंथ ऑफ फूड चेन में वेरी फ्रॉम, अभी पढ़ा था कि 3 to 5 जो है वो ट्रॉफिक लेवल तक जाता है ना कि 2 to 3. तो 3 to 5 अगर होता तो यहाँ पे करेक्ट होता, तो ये इनकरेक्ट है. तो सेकंड और थर्ड जो है वो हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस कम्युनिटीज. फर्स्ट है क्लाइमेट, सेकेंड है स्पेसिस इंट्रेक्शन, थर्ड है फीडिंग रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म एंड फोर्थ है सक्सेशन. तो यहाँ पे बताना कि कौन से फैक्टर जो है वो कम्युनिटीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ऑप्शन ए दिए गए फर्स्ट एंड थर्ड, बी दिए गए फर्स्ट एंड फोर्थ, सी दिए गए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, डी दिए गए ऑल ऑफ द. तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइमेट होता है वो भी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करता है, स्पेसिस इंट्रैक्शन भी, फीडिंग रिलेशन भी और सक्सेशन भी. तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ द दीज है वो आएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम है. मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम वन में दिया है प्राइमरी सक्सेशन, क्लाइमेक्स, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर. कॉलम टू में दिया गया ऑटोट्रोप, कम्युनिटी हैज कंप्लीट सक्सेशन, कॉलोनाइजेशन एंड एनिमल्स. ओके, तो यहाँ पे हम पहले जो है वो मैच द कॉलम कंप्लीट करते हैं उसके बाद ऑप्शन की तरफ चलते हैं. तो फर्स्ट प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है. प्राइमरी सक्सेशन होता है जिसने अभी जो है कॉलोनाइजेशन ऑफ ए न्यू एनवायरनमेंट स्टार्ट किया हो. तो यहाँ पे ए जो वो थर्ड के साथ जाना चाहिए. क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, व्हाट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी. क्लाइमेक्स कम्युनिटी द कम्युनिटी दैट हैज कंप्लीटेड सक्सेशन. व्हाट इज द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स होते हैं एनिमल्स. एंड प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं हमारे, ऑटोट्रोप्स. तो अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं. ए जो है वो थर्ड के साथ जाना चाहिए, दो ऑप्शन में जा रहा है. बी जो है वो हमारा सेकेंड के साथ जाना चाहिए, ओके, एक ही ऑप्शन में जा रहा है. सी जो है वो हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए, ओके. एंड डी जो फर्स्ट के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट हमारा वापस एक मैच द कॉलम है. मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम वन और कॉलम टू दिया गया. इधर लिखा है स्टैंडिंग स्टेट, गैशियस साइकिल, स्टैंडिंग क्रॉप, सेडिमेंट्री साइकिल. इधर दिया गया नाइट्रोजन, कार्बन, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सल्फर, फॉस्फोरस, लिविंग मैटर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. तो यहाँ पे जो स्टैंडिंग स्टेट होती है वो क्या होती है, स्टैंडिंग स्टेट होती है हमारी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं, ओके. नेक्स्ट इन्होंने पूछा है गैसीय साइकिल. गैसीय साइकिल हमारी कौन सी हो सकती है, नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल. थर्ड इन्होंने पूछा है स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, लिविंग मैटर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा. डी इन्होंने पूछा है सेडिमेंट्री साइकिल, और सेडिमेंट्री कौन सी आपकी, सल्फर और फॉस्फोरस साइकिल उसे बोलते हैं. तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए जो है वो हमारा सेकंड के साथ जाना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन है. बी जो है वो फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, ये भी केवल एक ऑप्शन है. सी जो है वो फोर्थ के साथ जाना चाहिए, ओके. एंड डी जो है वो हमारा थर्ड के साथ जाना चाहिए, ऐसा भी एक ऑप्शन है. तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. फर्स्ट दिया गया ऑटोट्रोफ फंजाई, बी दिया गया प्राइमरी कंज्यूमर जूप्लैंकटन, सी दिया गया सेकेंडरी कंज्यूमर फीसिस, एंड डी दिया गया है डीकंपोजर फ्लैजिलेट्स. तो आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ है ये. तो आप कई बार पढ़ते हो कि जो फंजाई होता है वो कम्प्लीटली हेटरोट्रॉप्स होता है, नॉट ऑटोट्रॉप्स. तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम. इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है इकोसिस्टम का, एनर्जी फ्लो, डीकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी या फिर स्ट्रेटिफिकेशन. ओके, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा क्या, स्ट्रेटिफिकेशन. स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो इकोसिस्टम का फंक्शन नहीं है. ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम. सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा हो सकता है. ऑप्शन है माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट या फिर ओशियन. अगर आपने यहां तक देखा है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका यहां पर आंसर क्या आया है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा आता है यहां पे, माउंटेन या डेजर्ट या फॉरेस्ट या ओशियन. सबसे मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम क्या है. ओके, अब हम इसका आंसर तो बता रहे हैं, बट आप अपनी तरफ से आपका आंसर बता देना कि आपका क्या आया था पहले.
ओके, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम क्या आएगा, ओशियन आएगा, ओशियन। बहुत बच्चों का फॉरेस्ट करते हैं कि फॉरेस्ट आएगा, बट फॉरेस्ट नहीं आएगा, ओशियन आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज 2/3 जो है अर्थ का वो क्या है, केवल ओशियन है। ओके, और वहाँ पर बहुत सारी वेरियस टाइप ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब अवेलेबल है, जितनी कि टेरेस्ट्रियल पे भी नहीं है, उससे ज़्यादा वहाँ पर होगी। ओके, क्योंकि आप समझिए कि 2/3 जो है वो अर्थ का वो केवल ओशियंस है, तो वहाँ पर इसीलिए मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम किसे बोला जाता है, ओशियन को। ओके, अब जो है हमारे नीट के क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहला है नीट 2013 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कंज्यूमर इन मेज फील्ड इकोसिस्टम। यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर बताना है, ग्रास ऑपर, वॉल, फाइटोप्लैंक्टन या फिर लायन। यहाँ पे ये कर्नाटका स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था, तो इसी का क्वेश्चन है नीट 2013 का। आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा मेज फील्ड के अंदर, वो होगा हमारा ग्रास ऑपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है AIPMT 2012 का, आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। यहाँ पे हमें ए बताना है कि क्या सकता है, प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग, ए एंड ईगल, ए बताना है यहाँ पे क्या आ सकता है, रेबिट, वॉल्फ, कोबरा या फिर पैरट। अब यहाँ पे आप ये सोचिए कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो फ्रॉग को ईट करता है, फिर ईगल जो है उस एनिमल को ईट कर सकता है, तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा क्या, कोबरा। ओके, यहाँ पे ये जो स्नेक होता है ये फ्रॉग को जो है वो ईट कर सकता है, बट जो स्नेक को कौन ईट कर सकता है, ईगल, तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा सी, कोबरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीट 2015 का, जो कि कैंसिल हो गया था, बाद में दोबारा एग्जाम लिया गया था, तो ये नीट 2015 का क्वेश्चन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन ए बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज, जोनेशन, पिरामिड, डाइवर्जेंस या फिर स्ट्रेटिफिकेशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्पीसीज का डिफरेंट लेवल पे बायोटिक कम्युनिटी के अंदर क्या बोला जाता है उसको, उसको बोला जाता है स्ट्रेटिफिकेशन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपियर एज द पायोनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक्स। पायोनियर ऑर्गेनिज्म बेयर रॉक्स के ऊपर, मोसिस, ग्रीन एल्गी, लाइकन्स या फिर लीवरवर्ट्स। ये भी क्वेश्चन कई बच्चों से गलत हो सकता है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा लाइकन्स। तो बेयर रॉक के ऊपर जो पायोनियर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं, लाइकन्स होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है 2018 नीट 2018 का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेंड विद द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे ये डाटा दिए गए, तो कैसा इकोलॉजिकल पिरामिड हमें देखने को मिल सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम, प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास एंड अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। नीट 2018 बहुत ही आसान सा है, पिरामिड सा है क्वेश्चन, आपका हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो 10 ग्राम है, बट प्राइमरी कंज्यूमर 60 हो रहा है और सेकेंडरी कंज्यूमर 120 हो रहा है, तो यहाँ पे बायोमास जो वो इन्वर्टेड हो रहा था, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स मे ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल जो है वो आप पे कौन सा एनिमल्स ले सकता है, स्पैरो, लायन, गोट या फिर फ्रॉग। प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अंदर यह साफ साफ लिखा भी है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्पैरो। ओके, यहाँ पे जो स्पैरो है, क्यों, क्योंकि ये वन टाइम पे जो है वो सीड भी ईट कर सकती है और इंसेक्ट भी ईट कर सकती है, तो इसीलिए जो ये वन टाइम पे जो वो दो ट्रॉफिक लेवल जो वो शो कर सकती है। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।